अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आप लोगों की क्यूरीज के आंसर करेंगे। और जिस तरह से हम लोग पहले सेशंस करते हैं कि आप लोग जो कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व करेंगे, और आप लोगों को असाइनमेंट क्विज और रिगार्डिंग योर कोर्स अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से आस्क करेंगे और मैं आप लोगों को उस चीज़ का आंसर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वन बाय वन कमेंट सेक्शन में या चैट में जो है वो मुझे मैसेज करते जाएं ताकि मैं आप लोगों के क्यूरीज का आंसर आपको करता जाऊं और हम लोग इस सेशन को एक सक्सेसफुल वे में एंड करें। तो हसन का मैसेज आया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। आई थिंक अभी कम बच्चे आए हैं, तो चलें सारे ज्वाइन करते रहेंगे। तो आप लोग अगर कोई वन बाय वन मुझे ये बता दें कि आप लोग कौन से बैच से हैं और आप लोग कौन से वीक तक आप लोगों ने अभी तक स्टडी कर लिया, तो फिर उस तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करता जाऊंगा और आप लोगों की क्यूरीज को आंसर करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को एक बेटर वे में आपके कोर्स की या LMS की समझ आ जाए। आप लोग इस सेशन के अंदर किसी भी किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं रिगार्डिंग योर कोर्स, रिगार्डिंग LMS, रिगार्डिंग असाइनमेंट क्विज, मतलब PFTP के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, कुछ स्टूडेंट्स बैच 5 से हैं और कुछ बैच 3 से हैं। तो जो बैच 5 में हमारे साथ स्टूडेंट्स आए हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ इस कोर्स के अंदर। आप लोगों को एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के इस फील्ड के अंदर मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस फील्ड को अच्छे तरीके से आप लोग समझें और इसके ऊपर वर्क करें और डेडिकेशन से वर्क करें। और ये फील्ड जो है बहुत ही वास्ट है, अभी आप स्टार्टिंग है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज आपने सीखनी है। तो जैसे जैसे आप वक्त के साथ साथ बेसिक चीज़ों को सीख जाएंगे तो एडवांस चीज़ों को सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा और फिर आप लोग इस फील्ड के अंदर काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक और सबका मेन पर्पस जो यही है, हम लोग कोई भी स्किल सेट इसी वजह से सीखते हैं कि हम लोग इस स्किल को सीख के इसके थ्रू अर्निंग कर सकें। तो फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ये है कि आप लोग घर बैठे काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं, जो कि आप लोग एक जॉब के ऊपर जाकर भी अर्न नहीं कर सकते। आप लोग घर बैठे अगर इस फील्ड को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं, तो आप इजिली अगर मंथ में एक प्रोजेक्ट भी करते हैं तो आप लोग ईजिली इतना अर्न कर सकते हैं कि आपको किसी जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अवैस खान का मैसेज आया है, थैंक यू सर, वेलकम। एंड जबरान शाहिद फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल से आपके फाइनल प्रोजेक्ट की डेट 19 है, तो फाइनल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग फिर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों को, क्योंकि कल उनकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है तो उनको कोई इश्यूज आ रहे हैं फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर, तो मुझसे अभी डिस्कस कर लें। और उनकी अपलोडिंग के अंदर कोई इश्यू है, आप लोगों को ना LMS के ऊपर वीडियो मिल जाती होती है हाउ टू अपलोड की, कि आपने असाइनमेंट क्विज किस तरह से अपलोड करना है या आप लोगों ने जो है उसको अपलोड किस तरह करना है। तो आप लोग जब अपने असाइनमेंट टैब के ऊपर, मैं आप लोगों को उसके लिए अभी स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ, इसमें बेटर वे में गाइड हो जाएगा आपको। जी मैसेज रीड कर लेते हैं। हसन का मैसेज आया, सर मैंने फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है लेकिन अभी सबमिट नहीं करवाया सर, उसमें बुक्स भी अपलोड कर दी हैं और शो भी हो रहे हैं लेकिन जो साइक्लर भी हमें PDF हो जाती है, बुक्स कभी नहीं। इस एरर को सोल्व करने के लिए आप स्टैक ओवरफ्लो गिटहब या कहीं से हेल्प ले सकते हैं, ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर एक बार शो हो रही है, आपने कोई कंडीशन इस तरह की लगाई होगी कि आप लोग का जो रिसाइकलर भी है कभी वर्क करता है कभी नहीं करता, या कभी डाटा फेच होता है कभी नहीं होता, तो वो इंटरनेट पर भी डिपेंड कर सकता है कि आप इंटरनेट की वजह से ऐसा हो रहा हो या आपकी कोई क्यूरी गलत लगी हो, तो अपने कोड को एक बार ज़रूर रिव्यू कीजिए। अवैस खान, सर हम जावा में ही कोडिंग करेंगे या इन फ्यूचर कोटलिन भी यूज़ करेंगे? फिलहाल जो हमारा कोर्स है सारा वो कोटलिन में ही है, बट इसमें मैंने आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर कोटलिन के बारे में बताया कि कोटलिन
एंड्रॉयड के अंदर ना कुछ चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हैं कि आप लोग, आप अगर आप जो जावा का कोड लिख रहे हैं, जावा का कोड आपका कम्प्लीटली जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कोटलिन में बाय वन क्लिक। आप एक सिंगल क्लिक करते हैं तो आपकी सारी की सारी जावा की फाइल कोटलिन के कोड में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी आप अभी हम जावा को ही सीखेंगे और जावा के सिंटैक्स पे, जब आपको एंड्रॉयड के अंदर एक भी लैंग्वेज आ गई, चाहे आप जावा से स्टार्ट कर लें चाहे आप कोटलिन से स्टार्ट कर लें, जब आपको एक लैंग्वेज आ जाएगी। और जावा में रखने का मेन मकसद ये था कि जावा जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू कोटलिन। कोटलिन इजी लैंग्वेज है, जावा का सेंटेक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जावा में जो काम आप तीन लाइनों में करते हैं कोटलिन में वो एक लाइन के अंदर हो जाए, क्योंकि उसका सेंटेक्स सिंपल है। कोटलिन जावा की निस्बत बहुत आसान है, तो अगर आपको जावा आ जाएगी तो कोटलिन सीखना आपके लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। कोटलिन आप विद इन वन मंथ या 15 डेज जो आपका कैलिपर है उतनी ही जल्दी सीख लेंगे। और उसके अलावा हसन का मैसेज आया है, जी डाटा है कभी फैच होता है और कभी नहीं, प्रीव्यू नॉट अवेलेबल शो आ जाता है आई थिंक इंटरनेट इशू। हाँ, वो आपकी डाटाबेस, जब वो डाटा फैच कर रहा होता है ना तो इंटरनेट इशू की वजह से, तो आप उसमें ना पोस्ट शो करवा दो, इस तरह से करो कि एक पोस्ट शो करवा दो कि जब फाइल फैचिंग में कोई एरर आए तो इफ एस की कंडीशन लगा के ना, जब डाटा वो सक्सेसफुली फैच कर ले तो उसको लोड करवा दो सेक्टर व्यू पे। अगर वो नहीं कर रहा या इंटरनेट पे इशू आ रहा है तो आप एक एक्सेप्शन लगा दो कि जो भी एक्सेप्शन आ रही है उसको टोस्ट के अंदर शो करवा दो, ताकि यूजर को भी पता लगे कि इंटरनेट का इशू है या कोई और इशू है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन हो? हेलो,
प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं।
कुछ इंटरनेट इशू की वजह से मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया था और हसन जो थे वो होस्ट बन गए थे। थैंक यू हसन, आपने मुझे दोबारा से वो राइट्स प्रोवाइड कर दी हैं। तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं, मेरे ख्याल से कुछ बच्चे भी लेफ्ट हो गए हैं, चलें तो खैर रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो हम लोग इस बात को कर रहे थे कि हम लोगों ने जो बटन का कलर है वो चेंज नहीं था हो रहा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नेम रख रहे थे, इसका नेम रख देते हैं जूम 17, बल्कि 18 है आज, 18 मई, और जावा, और यही सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं फिनिश करता हूँ। तो मेरा एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। तो अभी इसके अंदर देखेंगे कि हम लोग बटन का कलर क्यों चेंज नहीं होता या उसको चेंज किस तरह से करना होता है, तो अभी हम कर लेते हैं। एक छोटा सा बस काम है, उसको देख लेते हैं कि वो किस तरह से होगा। और अगर वॉइस वगैरह में कोई इशू है तो काइंडली मुझे अभी बता दें, ताकि फिर रिकॉर्डिंग अच्छे तरीके से हो, ताकि दूसरों को ना हो। और तो जब तक ये क्रिएट हो रहा है, आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो तो उस पर बात कर लेते हैं, फिर मैं ये बटन वाले मामले को आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस तरह से सॉल्व करना है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी एक ये एडवाइस है कि आप लोग अभी से ये सोच के रखें कि आप लोगों ने किस तरह की एप्लीकेशन डेवलप करनी है, या आप लोगों का कोई एम होगा कि मैं चाहता हूँ मैं इस तरह की एप्लीकेशन डेवलप करूँ, तो अपनी खुद की एप्लीकेशन डेवलप करें और उसके ऊपर वर्क अभी से स्टार्ट करें। जो जो आप सीखते जाएं उसको साथ साथ उस एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करते जाएं, ताकि एट द एंड ऑफ द कोर्स आपके पास अपनी एक कंप्लीट एप्लीकेशन हो और आपके पास अपना एक पोर्टफोलियो हो कि आपने ये बिल्ड किया है और आपकी ये एक प्रोफाइल है। और अगर आपका आइडिया यूनिक हुआ, अच्छा हुआ, तो आप लोग उसको प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करें और उससे आप लोगों को इंशाल्लाह अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग अभी से सोच लें कि आपने किस तरह से एप्लीकेशन बनानी है, और वो एप्लीकेशन आप फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर भी सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने खुद एक एप्लीकेशन बिल्ड की होगी, आप उसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी शो करवा सकेंगे। तो अपने लिए एक एप्लीकेशन सोच के रखें। अच्छा जी, ये हमारा ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया। अब इसके चले जाते हैं एक्टिविटी मेन डॉट एग्जामल के ऊपर, ताकि यहाँ पे मैं अभी एक बटन लगाता हूँ, फिर उसका कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको। तो ये मेरे पास एक बटन है, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया, तो मैं कंस्ट्रेंट कर देता हूँ लेफ्ट राइट लेफ्ट और टॉप से, और इसको नीचे से लेता हूँ। और ये टेक्स्ट व्यू जो है इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक बटन लग गया, अब इसका मैंने कलर चेंज करना है। तो बटन का कलर चेंज के लिए मैं बैकग्राउंड टिंट की प्रॉपर्टी पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ये कलर चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ मैं सिंपल बैकग्राउंड के ऊपर आप क्लिक कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड ये लगा देता हूँ इसका, और टिंट जो है ख़त्म कर देता हूँ। तो अगर आप बैकग्राउंड टिंट करेंगे तो आपका कलर चेंज होगा, अगर आप बैकग्राउंड टिंट नहीं करेंगे तो आपका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इधर से बैकग्राउंड को आपने रिमूव कर दिया। बटन का कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड टिंट करना है। मेरा तो बैकग्राउंड टिंट से कलर चेंज हो गया है, ठीक है। मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड टिंट से कलर चेंज हो गया, मैंने बैकग्राउंड टिंट लगाया रेड कलर का, तो चेंज हो गया। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि आप लोग बैकग्राउंड टिंट लगाते हैं, चेंज नहीं होता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपने जाना होता है रिसोर्स में, लेआउट बल्कि वैल्यूज के अंदर आएंगे आप, और थीम्स के अंदर जाके यहाँ पे आप लोगों ने ये मटेरियल कंपोनेंट्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोगों का आ रहा होगा मटेरियल कंपोनेंट्स, इसको आप लोग चेंज कर देंगे ऐप
कॉम्पैट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपने चेंज कर देना इसको भी और नाइट मोड वाले को भी। यहाँ पे मटेरियल कंपोनेंट की बजाय क्या कर देना है, ऐप कॉम्पैट, ठीक है, मतलब जो यूज़र खुद लगा रहा है वही कलर्स आप उसके अंदर लगाते जाओ। तो इस चीज़ को चेंज करने से भी आपका जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें आ रही हैं वो चेंज करके आप इसको फिर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कलर्स चेंज कर सकते हैं, ये दोनों तरीके करके देख लीजिएगा। बैकग्राउंड टिंट अगर डायरेक्ट आपका वर्क कर रहा है तो ठीक है, अगर डायरेक्ट वर्क नहीं कर रहा तो आपने थीम के अंदर जाके यहाँ से मटेरियल कंपोनेंट्स को हटा के यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेना, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें। और अगर आपको कोई असाइनमेंट क्विज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, बैच 4 को भी एक असाइनमेंट गई थी वीक 8 के अंदर, उसके रिगार्डिंग अभी किसी का कोई क्वेश्चन है या आपके फाइनल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या क्विज के रिगार्डिंग, तो आप अभी पूछ सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके उनसे मैं कोर्स का फीडबैक लाजमी लेना चाहूँगा कि आपको कोर्स की समझ आ रही है, आप लोगों को इसके अंदर मतलब टीचिंग मेथड या कोई और डिफ़िकल्टी तो नहीं, या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, या कोई आपके सजेशन हो के इस तरह से भी होना चाहिए तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पासवर्ड टॉगल में भी एरर आ रहा है, जब पासवर्ड हाइड करो तो जो पासवर्ड लिखा होता है वो शो हो जाता है। उसके अंदर ना आपने पासवर्ड टॉगल के लिए जब आपने कोई लाइब्रेरी होती होगी उसके लिए ना एक अलग टेक्स्ट की लाइब्रेरी होती है, वो आप लोग सर्च करेंगे गिटहब के ऊपर तो आपको अब आवाज आ रही है आपको?
अच्छा, तो लेक्चर्स के टाइम लिमिट की बात कर रहे थे। लेक्चर्स की टाइम लिमिट कोई नहीं है। लेक्चर्स की टाइम लिमिट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस तरह है कि अगर आपके समझ लें कि लेट्स सपोज के 5 वीक्स गुजर गए हैं और आपके LMS के ऊपर आपको वीक 5 तक लेक्चर शो हो रहे हैं, और आपने समझ लें कि वीक 4 और 5 का लेक्चर सुना नहीं है लेकिन आपके LMS के ऊपर अवेलेबल है, तो वो आप किसी भी वक्त सुन सकते हैं। आपको कभी भी टाइम मिले तो आपको जितने प्रीवियस लेक्चर हैं आप उन सबको सुन सकते हैं। ये नहीं है कि अगर वीक 5 गुजर गया है या वीक 4 गुजर गया है तो आप उसका लेक्चर सुन नहीं सकते, आपके LMS के ऊपर वो अवेलेबल होंगे। टाइम लिमिट इस सेंस में ये है कि आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपके LMS की जो एक्सेस है वो चली जाएगी। वो थ्रू आउट द आपको मतलब कंप्लीटली एक्सेस नहीं मिल सकती कि आप जब मर्जी उसको एक्सेस कर सके। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर आपकी एक्सेस खत्म हो जाएगी। क्योंकि डाटा जो है हम लोगों ने क्लियर करना होता है प्रीवियस स्टूडेंट्स के LMS एक्सेस खत्म करके नए स्टूडेंट को एक्सेस देनी होता है, तो इसलिए फिर आपकी जो एक्सेस वो खत्म हो जाएगी। जब तक आपका कोर्स चल रहा है तब तक आपकी एक्सेस है, आप सारे लेक्चर सुन सकते हैं और किसी भी टाइम सुन सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी एक्सेस खत्म हो जाएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? देखें, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं, ये सेशन इसलिए रखा जाता है कि आप लोग जो भी आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको हमारे साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई सजेशन है, जैसे आपको आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं बैच 5 के लिए, सेशन के अंदर यहाँ जो आप लोगों को डिफिकल्टीज आ रही हैं उनको बता दिया करें, तो होता है कि आप लोगों को बेटर फैसिलिटी दी जाए, जो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ से कुछ ना कुछ सीख सकें और जो भी आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं उनको हम लोग सोल्व किया। फाइनल प्रोजेक्ट आपका सबमिट होगा, उसके बाद आप लोगों की चेकिंग होगी, फिर एक गैट टेस्ट भी होता है वो होगा उसके बाद। मेरे मुझे कोई कंफर्म टाइम नहीं पता लेकिन कुछ एक मेरे ख्याल से 1-1.5 मंथ लग जाएगा आपको सर्टिफिकेट अवेल होने तक। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जब सेरेमनी होगी, आप लोगों की सेरेमनी की जाएगी, उस सेरेमनी में आप सब लोगों को इनवाइट किया जाएगा, आप सब लोग उस सेरेमनी में इनवाइटेड होंगे। जो आना चाहे आ सकता है, अगर कोई नहीं आता तो उसका सर्टिफिकेट उसको उसके घर पर पोस्ट कर दिया जाएगा, वो घर बैठे उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वरना जो सेरेमनी में आते हैं वो उनको वहीं पे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। सेरेमनी लाहौर में ही होगी, लास्ट टाइम हुई थी माल रोड पे अलहमरा हॉल में, तो पता नहीं है कि डिफरेंट सिटीज में भी हम लोग हो सकता है कि सेरेमनीज करें, मतलब हर सिटी के अंदर जाके वहां पे सेरेमनी करें उन बच्चों के लिए, बट लास्ट टाइम फिलहाल हम लोगों ने लाहौर के लिए। कुर्तुलैन, आपका बैच कौन सा है? आप बैच 3 से हैं? बैच 5। आपको बैच 5 वालों को अभी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, अभी आप लोगों का वीक 8 आएगा। ठीक है, वीक 8, बल्कि आप लोगों के लिए पॉलिसी चेंज हो गया। आप लोगों का बैच 5 लोगों के लिए जो पॉलिसी है वो ये है कि आप लोगों को फर्स्ट 1.5 मंथ के अंदर, ठीक है, आप लोगों के वीक 12 तक के जो लेक्चर्स हैं वो सारे खत्म किए जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट 1.5 मंथ है उसके अंदर आप लोगों को असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट है वो दिया जाएगा। असाइनमेंट का 1-2 वीक का टाइम होगा, इसी तरह 1 मंथ प्रोजेक्ट का टाइम होगा। तो वो जब आप लोगों का प्रोजेक्ट आएगा, जब आप लोग कोर्स मतलब सारे लेक्चर सुन चुके होंगे, आपके वीक 12 एंड हो गए होंगे, वीक 12 के बाद आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो कि आपके कोर्स के रिगार्डिंग होगा, मतलब जो आप लोगों ने सीखा हुआ है उसी में से आप लोगों ने एक एप्लीकेशन तैयार करनी होगी, और वो एप्लीकेशन बना के आप लोग फाइनल प्रोजेक्ट अपना सबमिट करवाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों ने इस कोर्स से कितना सीखा है।
सर्टिफिकेट की बेस पे नहीं, आप लोग इंटर्नशिप जो है आप लोगों को ऑफर की जाती है आप लोगों की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर, या आप लोग PFTP के ऊपर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं कि हमें इंटर्नशिप भी चाहिए, फिर आप लोगों की परफॉर्मेंस और आप लोगों के स्किल सेट को देखते हुए आप लोगों को इंटर्नशिप ऑफर की जाती है। बाकी आप लोग किसी और कंपनी में अगर PFTP में नहीं भी जाते तो आप लोग किसी और कंपनी में जाते हैं तो वो आप लोगों से एक बेसिक कंसेप्ट का इंटरव्यू लेते हैं तो, और आप लोगों को जो है वो इंटर्नशिप ऑफर कर देते हैं। और जो क्वेश्चंस उधर पूछे जाते हैं इंटर्नशिप के अंदर, वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उनमें मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूं कि आप लोग जब जाएंगे किसी कंपनी के अंदर वो आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले वो आपसे एंड्रॉयड के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि रिसाइकलर व्यू क्या होता है, व्यू क्या होता है, इसी तरह से फिर रिलेटिव लेआउट किस लिए यूज़ होता है, कंस्ट्रेंट लेआउट किस लिए यूज़ करते हैं, और लीनियर लेआउट क्या काम करते हैं, इसी तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो एंड्रॉयड के रिगार्डिंग होंगे बेसिक क्वेश्चन वो पूछेंगे। उसके बाद वो आपको ले आएंगे सेकंड, और प्रोफेशनल जॉब के लिए भी जब आप जाते हैं ना इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपके ऊप के कंसेप्ट कैसे हैं, ऊप के बारे में आप लोग खुद गूगल पे सर्च कर लेंगे कि ऊप के कंसेप्ट के बारे में पूछेंगे आपके, ऊप क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऊप के सबसे पहले वो पूछेंगे ऊप के चार बेसिक पिलर कौन से हैं, उनके बारे में आप लोग उनको बताएंगे, जो कि इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म हैं सारे। और इसके बाद आप लोगों से वो पूछेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपको जॉब या इंटर्नशिप ऑफर कर देंगे। तो जब आप लोग इंटरव्यू लिया इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो आप लोगों ने बेसिक चीज़ों को, इंटरव्यू क्वेश्चंस को याद करके उनकी प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि आप लोग उधर जब आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछें तो आप लोग वहां पे उसका आंसर कर सकें। मेन यही है कि आप लोगों ने एंड्रॉयड का बेसिक नॉलेज को पढ़ के जाना है कि एंड्रॉयड की बेसिक नॉलेज क्या है, जैसे व्यूज़ क्या हैं और ये सारी, जी जी एब्स्ट्रैक्शन यही है। अच्छा, ये सारे पढ़ने के बाद आप लोग जब बेसिक क्वेश्चन को रीड करके चले जाएंगे तो 95% से अबाव चांसेस हैं कि आप लोगों को जॉब भी मिलेगी और इंटर्नशिप भी मिलेगी। उसके बाद जब आप लोग प्रोफेशनल वर्किंग में आ जाएंगे, 2-3 महीने आप किसी कंपनी के पास पास एज ए इंटर्नी काम करेंगे, तो आपको प्रोफेशनलिज्म की समझ आ जाएगी, आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी अपॉर्चुनिटी पर, बट मेन चीज ये है कि आपने बेसिक चीज़ों का नॉलेज पढ़ के उसके बारे में पढ़ के जाना है, ताकि जब इंटरव्यू हो तो उनको पता हो कि बच्चे को कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे तो आपको लोगों को इंटर्नशिप भी ओपन नहीं करना, क्योंकि इंटर्नशिप में लोग
कार का कलर चेंज करने के लिए आवाज मेरी मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। स्टेटस बार ये मैंने लेआउट के ऊपर, यहां पे यूआई कंस्ट्रेंट आ गए, यहां पे अब ये जो सबसे ऊपर वाली बार है ये स्टेटस बार है, तो इसका कलर चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं जाऊंगा थीम्स के अंदर, यहाँ पर अब मेरे पास दो कलर आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक मेरा कलर है, इस कलर को मैं चेंज करता हूँ, अगर फर्स्ट कलर रेड कर देता हूँ। बैक हो गई है, इसको चेंज करते हैं, रेड इसका कलर चेंज हो गया, बट स्टेटस बार का कलर अच्छा, ये डार्क एक्शन बार आ रहा है, खत्म कर देते हैं हम। थीम स्टोर तो डार्क एक्शन बार ये वाला, यहाँ पे कलर्स में पहले कुछ मैं कलर्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। आई थिंक एंड्रॉयड की जब अपडेट्स आती हैं तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, तो हमें चेंज करना पड़ता है। इसका नाम रख देता हूँ मैं कलर रेड, और इसके बाद यहाँ पे एक ब्लू कलर बना लेता हूँ मैं, तो इसका कर देता हूँ ब्लू। कलर रेड और ब्लू कर लिए मैंने जी। ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हैं आपके लेक्चर के अंदर, जो है मैंने ग्रेडियंट कलर यूज करके सिखाया, आप करना बताया हुआ है, तो आप लोगों को वहां से समझ आ जाएगी लेक्चर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर थीम्स में अब मैं यहाँ पर जो है एट द रेट कलर ब्लू यूज करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे कलर जो है मेरा स्टेटस बार का कलर चेंज हो गया है। तो इस तरह आप लोग कलर को चेंज करके स्टेटस बार का कलर चेंज कर जाए, थीम के अंदर जाएं, ये सेकंड वाला जो कलर होगा जब इस कलर को चेंज करेंगे तो आपका स्टेटस बार का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट कलर देने के बजाय मैं कलर्स के अंदर से जो है वो किसी कलर को कॉल करता हूँ, यहाँ पे कलर को अगर वाइट कॉल करता हूँ मैं, अब ये वाइट हो गई है। ये है एक्शन बार, इसके ऊपर है स्टेटस बार, दोनों का कलर चेंज करने के लिए पहले ये ऊपर वाला कलर जो है ये एक्शन बार के लिए है, नीचे वाला स्टेटस बार के लिए। यहाँ पे मैं इस कलर को रेड ही कर देता हूँ, रेड और ब्लू, तो अब इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया। और बटन के लिए आप ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हैं, मैं अभी करके दिखा देता हूं आपको। यहां पे ड्राइवेबल पे हम लोग एक नई ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल बना लेते हैं, ड्राइवेबल रिसोर्स फाइल, और यहां पे ग्रेडियंट कर देता हूं इसका नाम, और यहां पे सिलेक्टर की बजाय मैं कर देता हूं शेप, और इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दो कलर चाहिए, एक टैग बना लेता हूँ ग्रेडियंट का, इसके अंदर ग्रेडियंट के अंदर मुझे दो कलर चाहिए, एक स्टार्ट कलर होता है, स्टार्ट कलर के अंदर मैं रेड दे देता हूँ, और एंड कलर के अंदर मैं दे देता हूँ ब्लू। ग्रेडियंट बेसिकली कहते किससे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कलर्स। इसके बाद मैं एंगल दे देता हूँ, एंगल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 90। ग्रेडियंट का एंगल हमेशा जो है वो
मल्टीपल ऑफ 45 होना चाहिए, मतलब ऐसा एंगल देना जो 45 के मल्टीपल में आता हो, 45 प्लस 45 90 है, इसके साथ प्लस करेंगे तो जो वैल्यू होगी उसी को एंगल के अंदर रखना, अगर एंगल 45 का मल्टीपल नहीं होगा तो एरर आएगा। इसके बाद मैं कर देता हूँ स्टेप को क्लोज। तो ये मैंने एक ग्रेडियंट बना लिया, ठीक है, और इसके कॉर्नर्स मैं थोड़े से राउंड कर देता हूँ, कॉर्नर्स रेडियस 20 dp दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं बटन के ऊपर सेट करना है, और इसको टैग क्लोज कर दिया, मेन एक्टिविटी पे आया, यहाँ पे बटन सेलेक्ट किया, और इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं कर देता हूँ @ ड्राइबल ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब इसका ग्रेडियंट बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक है, इसको मैं कर देता हूँ वाइट। तो यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने एक ग्रेडियंट को बैकग्राउंड के ऊपर लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट को बटन के बैकग्राउंड में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो काइंडली आस्क कर सकते हैं। तो ये दासकली थैंक यू, वेलकम टोटल एंड यस सर थैंक्स वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क कर लें, ताकि हेलो जी, अब आपको मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी, बार बार माइक का मेरे ख्याल से इशू आ जाता है। तो होप्स ओके, ग्रेडियंट वाले टॉपिक की आपको समझ आ गई कि बटन के बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट किस तरह से यूज़ करना है। इसके अलावा LMS के ऊपर जो है आपके सारे लेक्चर्स अपलोड होते हैं, लेकिन वो आपको वीक बेसिस के ऊपर वो शो होते हैं, आपको इकट्ठे शो नहीं होते, वो आपको वीकली बेसिस के ऊपर शो होते हैं, ताकि आप लोग वीक बाई वीक उसको स्टेप बाई स्टेप फॉलो करते जाएँ और आप उसको कम्प्लीट करें। हसन ओके, हसन बेस्ट ऑफ लक, आपका मैसेज मुझ तक आ गया, ऑप्स ओके, अगर आपने मेहनत की होगी तो अच्छा ही लगेगा प्रोजेक्ट आपका। LMS पे लेक्चर्स जो हैं वो वीकली बेसिस के अपलोड होते हैं, वीकली बेसिस के ऊपर आपको एक या दो वीक आपको मिलते जाएंगे लेक्चर्स आप लोगों को। बैच 5 का जो वीडियोस वाला काम है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बैच 4 का वो जितना ड्यूरेशन हम लोगों ने सेट किया हुआ है उसी पॉलिसी से उनको वो शो होगा। तो उम्मीद है आप सब लोगों के क्यूरीज के आंसर मैंने आप लोगों को कर दिए होंगे, अगर किसी की कोई क्यूरी रह गई है तो काइंडली जल्दी से आज कर लें, ताकि मैं फिर इस सेशन को एंड करूं और नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो। तो मैं 2-3 मिनट वेट करूंगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर उसके बाद मैं इस सेशन को एंड कर दूंगा। मेरे ख्याल से सभी बच्चों के क्वेश्चंस हो गए हैं, तो ठीक है फिर इस सेशन को एंड करते हैं, और जिन बच्चों का फाइनल प्रोजेक्ट है उन सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और उनके कोर्स कंप्लीशन के लिए उन सब लोगों को कंग्रेचुलेशंस। और सैयद आसिफ,
व्हाट्सएप ग्रुप का डाटा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे ही के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वही बच्चे ऐड होंगे जो हमारी पॉलिसीज को एक्सेप्ट करेंगे, तो जिन बच्चों ने किया होगा उनका डाटा हम तक आ जाएगा। जैसे ही डाटा सारा इकट्ठा हो जाएगा हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ हम लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जिन बच्चों का डाटा हम तक आ जाएगा हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, और ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।